ओके क्या बात है। अपना चेक मैं कभी अपने नाम पे इश्यू नहीं करती। आई डिपॉजिट ओनली दोस चेक्स विच आई रिसीव फ्रॉम समवन एंड हेयर बाय समवन इज ऑलवेज माय डेटर। ठीक है, दैट पर्सन इज सपोज टू पे द अमाउंट टू मी ईदर थ्रू चेक और थ्रू कैश। सो सम थिंग्स आर इम्प्लाइड, सम ट्रांजेक्शंस आर इम्प्लाइड, अदरवाइज गुड क्वेश्चन, कहीं पे लिखा तो नहीं, बट इट इज अ रूल। Whatever we receive in the form of check, that we are receiving from someone. And why that someone is paying to me? Because he is my debtor, obvious. He was supposed to pay to me, right? So that's why I assumed or I took it like that, right? So, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको बातें याद होनी शुरू हो जाएंगी। 47th देखिए बच्चों। श्री रामलाल हु ओस, अब हु ओस हिज डेटर, श्री रामलाल हु ओस, जिसने मेरे को देने थे कितने 1000, उसने 993 दे के फुल सेटलमेंट कर दी। इट मींस कि मैंने 7 रुपए छोड़ दिए और मैंने उसे डिस्काउंट दी, यही बात हुई ना। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू रामलाल, डिस्काउंट अलाउड वर्ड लिख लो चाहे, अकाउंट सबके साथ लिखना है, डेबिटेड सबके साथ लिखना है, वॉट एवर इज बींग डेबिटेड टू वॉट रामलाल। पर्सनल अकाउंट के साथ चाहे अकाउंट लिखना स्किप भी कर सकते हो, पर्सनल अकाउंट अपने आप में ही कंप्लीट लगता है विदाउट अकाउंट ऑल्सो, राइट। सो दिस इज वॉट 993, 7 रुपीज वी आर ऑफरिंग हिम डिस्काउंट, ओवरऑल रामलाल इज टू बी क्रेडिटेड विद 1000। एम आई क्लियर टू एवरीवन? इज देयर एनी डाउट? चलिए आगे चलिए फिर। मैसर्स मोहन सिंह एंड कंपनी हु ओस, फिर से मैसर मोहन सिंह एंड कंपनी हु ओस, मतलब उसने मेरे को 3000 देना था, वो इंस्टॉलमेंट हो गए और हमें सिर्फ 45% मिला। 50% मिलता तो 1500 होता, 5% और, ठीक है जी, 1350 ओनली वी आर गेटिंग। कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, राइट टू मोहन सिंह एंड कंपनी, मैसर्स मोहन सिंह। What is the meaning of this Messrs. MS? Messrs. क्या है? मैंने कुछ बताया हुआ नहीं। Messrs. का मीनिंग क्या है? इट इज प्लूरल ऑफ मर्चेंट, चेक कर लेना इंग्लिश में, इट इज प्लूरल ऑफ मर्चेंट, मर्चेंट व्यापारी है, ठीक है। Messrs. वी कॉल इट Messrs. राइट, इट्स नॉट मेस, इट इज मेसर्स, डन। मोहन सिंह एंड कंपनी जो भी है, सो हाउ मच वी आर गेटिंग, 1350, 1650 इज आर बैड डेट, ओवरऑल दे वर सपोज टू पे टू मी 3000। दोनों ही रिकवरी की एंट्री है, ये बंदा भी मेरा डेटर था, ये कंपनी भी मेरी डेटर थी। आगे चलते हैं। इशूड चेक इन फेवर ऑफ पटेल ब्रदर्स, क्योंकि मैंने उनसे फर्नीचर खरीदा था। गलत, ये ठीक है, फर्नीचर टू बैंक, बिल्कुल ठीक है, पटेल एंड कंपनी का नाम नहीं आया, फर्नीचर खरीदा और चेक के थ्रू पेमेंट करी, फर्नीचर टू बैंक, बिल्कुल ठीक। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, हूएवर वांट्स टू स्पीक इन द क्लास दे आर सपोज टू रेज हैंड, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग माई लेक्चर, सो देर शुड नॉट बी एनी नॉइस, आई विल गिव यू अ चांस व्हेन यू रेज योर हैंड, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, हाउ मच? 1500। ये क्वेश्चन करने को दिए थे ना आपको। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर व्हाइट 6200, और उसे डिस्काउंट एडिशन में है। चेक कितने का है? 6200 का, डिस्काउंट अलग से है, माइंड इट। सो मेरे को मिस्टर व्हाइट ने चेक दिया, एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू व्हाइट, राइट। बैंक अकाउंट डेबिटेड 6200, माइनस करके मत लिखना क्योंकि चेक की अमाउंट अलग से दी है, यहाँ पे गलती होने के चांस है। डिस्काउंट इज सेपरेट, डिस्काउंट इज सेपरेट, ठीक है। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू व्हाइट। चेक कितने का है? डिस्काउंट कितना दिया?
व्हाइट से कितना लेना था? 6280. 6280. We were supposed to take from white. Any doubt to anyone? Let's proceed to the next. Read next. Dipanshu, आप क्या बोलने वाले थे कि घर में जब बिजनेस चलाते हैं तो क्या है मैसेज का मीनिंग? आप कुछ बनाने लगे थे ना मीनिंग अपने आप? हाँ, ओके. A sum of rupees 300 received from Sher Singh and Company against debt previously written off means previously bad debt हमने write off किया था, अब वो पैसा मिला, bad debts recover है. Cash account debited to bad debts recover, कहीं पे भी entry में Sher Singh का नाम नहीं आना, क्योंकि Sher Singh को आप पहले से bad debt कर चुके हो. जब bad debt हुआ होगा तब क्या entry हुई होगी? हाँ, to Sher Singh हुआ होगा. Sher Singh तो तभी close हो गया, ठीक है, जब उसकी recovery होती है. कभी भी personal account नहीं होता, कैश का इनफ्लो दिखाना होता है और साथ में इनकम दिखानी होती है, ठीक है. सो सेम वी आर गोइंग टू शो हियर, दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड. यस, स्पीक नेक्स्ट. कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड, पूरा वर्ड लिखना, अकाउंट बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. नेक्स्ट मिस्टर कुंदर बेरी ने बोलना और उसके बाद कुणाल ने बोलना. Come to next. किस पे भी हो, return outward हमेशा bill में से adjust होना. मान लो इसने bill pay भी कर दिया तो bill adjust करूंगी ना? नहीं. What else you can write then? If I'm not debiting it, he is not receiver, then what you will be going to write here? Cash लिख नहीं सकते, सामान कभी cash में है? वो हमें cash की वापसी तो नहीं करेगा, वो बोलेगा और सामान ले लो. अगर और सामान ले भी लो तो ही इज बिकमिंग माई डेटर इन दैट केस. सामान के बदले में सामान होता है, ट्रेडिंग ऐसे चलती है. यू ऑलवेज थिंक लाइक फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मेरे को कोई सामान पसंद नहीं आया तो डेफिनेटली वो वापस करके मेरे को चेंज करके देगा ना. तो फॉर दैट टाइम पीरियड आई एम मेकिंग हिम माई डेटर और आई एम मेकिंग हिम एज रिसीवर. किसी भी तरह से सोच लो, कैश की वापसी नहीं होगी कभी भी. सामान की वापसी भी कैश की वापसी नहीं होती, सामान के बदले में सामान मिलता. अगर कैश की वापसी भी होगी तो क्रेडिट पे फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्रेडिट पे खरीदा, बिल रिड्यूस हो जाएगा. सो आई एम मेकिंग द रिडक्शन इन माय बिल, आई एम मेकिंग हिम माय डेटर, ठीक है. अगले बिल में से एडजस्ट कर लेंगे. ट्रेडिंग ऐसे ही चलती है, ये 500-700 रुपए वापस थोड़ा लेने बैठेंगे, बोलेंगे अगले बिल में से एडजस्ट कर लेना. इन एनी वे
गेटिंग इट? अगला पढ़ो, कम टू नेक्स्ट. विड्रो गुड्स फॉर डोमेस्टिक यूज, वेरी इजी. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस अकाउंट. रास्ते का किराया आप पे करना और फिर मेरे से ले लेना. हाउ विल यू इंटरप्रेट दिस? हाउ विल यू रिकॉर्ड दिस इन योर एंट्री? आई पेड व्हाट फ्रेट ऑन बिहाफ ऑफ सुरेंद्र सिंह. जब आप किसी के बिहाफ के ऊपर पेमेंट करते हो, कल को वो पैसा आपने उससे लेना है. सुरेंद्र सिंह टू कैश आना, फ्रेट का नामो निशान नहीं आना, बिकॉज इट इज नॉट एन एक्सपेंस योर्स. It's not yours expense. It is an expense you paid on behalf of someone. सिखाया हुआ है आपको सारा कुछ. Rent paid on behalf of my friend. So I will not be debiting rent. I will be debiting my friend. So same I am debiting here, Surinder Singh. Surinder Singh account debited to cash. I paid rent on his behalf. 60 rupees है मेरे को लगता फिर से. Being freight paid on behalf of our customer, Mr. Surinder Singh. On behalf of our customer is okay. Received interest on investment. Who will tell? Yes, cash भी लिख सकते हैं, bank भी, क्योंकि investment का interest आमतौर पे हमारे account में जाता है. अगर आप नहीं वैसे सोच पाते तो cash is also okay. ठीक है, you can write cash account debited to interest received. Cash account debited to interest received. Interest is our income. How much? 500. See next. Dipanshu, aap bolo. Next. Wow. Theek hai, bolo. Nahin. Business ka kharcha apne personal cash mein se kiya. और फिर स्टेशनरी एक्सपेंस का खर्चा ऑफिस कैश में से किया. मैं कंपाउंड भी कर सकती हूँ. चलो जिनको डाउट है वो सुनो. पहले ऑफिस एक्सपेंसेस है, मैंने डेबिट कर दिया. फिर स्टेशनरी है, मैंने वो भी डेबिट कर दिया. ये जो ऑफिस एक्सपेंस है मैंने पर्सनल कैश में से किया तो टू कैपिटल. एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस. ये मैंने बिजनेस के कैश में से किया तो टू कैश. एनी डाउट टू एनीवन? अलग अलग कर लो. ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैपिटल, स्टेशनरी टू कैश. क्योंकि सेम डेट थी, वैसे कोई कॉमन अकाउंट नहीं था, दोनों एक्सपेंस ही थे, तो मैंने मर्ज कर दिया. अदरवाइज कंपाउंड एंट्री क्या कहती है? देयर शुड बी वन कॉमन अकाउंट व्हिच इज टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एंड द डेट शुड बी सेम. यहाँ पे डेट सेम थी तो मैंने अलग अलग करने की बजाय इकट्ठा आपको सिखा दिया. यू कैन डू इट. अब ऑफिस एक्सपेंस कितने हैं? 150 जितना है वो कैपिटल में के सामने लिखना, क्योंकि 150 आप लेके आए हैं. स्टेशनरी कितना है? 250. वो कैश में लिखना है, वो आपने बिजनेस का कैश यूज किया. ओवरऑल 400 खर्चा हुआ, जिसमें से 150 आप घर से लेके आए और 250 का आपने बिजनेस का कैश यूज किया. एनी डाउट? सो इट वाज अगेन टिपिकल. आपने कौन सा पूछना था इसमें से? सेकंड. ओके, डन. चलो जी, अगला भी किया होगा, अगला भी दिया था आपको होमवर्क. 48 स्टार्ट डूइंग. 48 की पहली 5 एंट्रीज करो, वी विल डिस्कस. Everyone sitting at home also, they will solve this question. 48, first 5 entries. So he is having one capital of his own. Iske paas apna paisa nahi tha. Iske apne friend se loan liya. Friend se loan lena is his personal affair. Right? But he is going to pass an entry. Cash account debited to loan from Shivam. How much? 50,000. फिर उस लोन को उठाया और कैपिटल की फॉर्म में बिजनेस के लिए दिया है. अल्टीमेटली मेरे को बिजनेस में कैपिटल शो करनी है ना. जब मैं कल को बैलेंस शीट बनाऊंगी आई विल शो कैपिटल, तो कैपिटल की एंट्री करना बनता है ना. लोन फ्रॉम शिवा को डेबिट कर दो, मींस आउटसाइडर लायबिलिटी को खत्म करो, उसे इनसाइडर लायबिलिटी बना लो. कैपिटल इज ऑलवेज आवर इंटरनल लायबिलिटी. दैट इज 50,000.
इस एंट्री में लोन क्रेडिट हुआ, इसमें डेबिट हुआ, लेकिन कैंसिल। वी कैन पास एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू डेबिट और नरेशन में सारी कहानी है। बी कैश डॉलर फ्रॉम जीवा एंड इन्वेस्टेड इट इन द बिजनेस एंड ब्रॉट इट इन द बिजनेस। ठीक है, कैश टू कैपिटल भी कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन लगती है तो पहले लोन को क्रेडिट कर दो, बाद में लोन को डेबिट करके कैपिटल में ट्रांसफर। बोथ द वेज आर करेक्ट एंड डॉक्यूमेंट। और नरेशन में फिर जरूर रेफरेंस देंगे बोरोर। यहाँ पे नरेशन अलग है, जो भी बीइंग बोरोर फ्रॉम शिवा, ठीक है, बीइंग बोरोर मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस या बोरोर कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस इन एनी वे। डन, फर्स्ट टू एंट्रीज एंड कैंसिल डन। आगे भी डिस्कस किया होगा। परचेस गुड्स फॉर कैश, वेरी इजी। परचेस इज कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ईशा विल सेंड मी द अटेंडेंस। ईशा इज प्रेजेंट इन द क्लास? यस, ईशा विल सेंड अटेंडेंस। इज इट 5000? आगे पढ़िए बच्चों। Yes, very very important point. आपने पहले खुद मेरे साथ से परचेजेस की एंट्री भी करना पड़ता। ये जो 3000 है ग्रॉस प्राइस है। जब रोहित से खरीदा था तो 3000 के ऊपर उसने 10% मेरे को क्या दिया होगा? डीडी दिया होगा। मींस 300 माइनस करके उसने मेरे को सामान बेचा होगा। तो परचेसेस शुरू हुए उधार पे, परचेसेस शुरू हुए 2700। बिजनेस का रूल है भाई, खुद काम पे खरीदते हैं, बेचते ज्यादा पे। सो वी विल बी सेलिंग इट एट हायर प्राइस। 27 वाली चीजें 3000 में बेची। अगली एंट्री सेल की आएगी। देखो जी, मोर देन सेल, खुद भी उधार पे खरीदा और आगे बेचा भी उधार पे। मदर ने कम डेबिट टू सेल से अगला सॉल्व करो। सी नेक्स्ट एवरीवन। मदन को मैंने उधार का सामान बेचा था, वो इंस्टॉलमेंट हो गया, उसने सिर्फ 25% मेरे को दिया। 5% बाकी 75% क्या हो गया? बैड डेट। 3000 का 750 मिला और 2250 नहीं मिला। कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड। दिस इज बी टू मदन। मदन से कितना लेना था बेटा जी? 3000। कितना मिल गया? 750। और कितना बैड डेट है? 2256। एनी डाउट टू एनीवन? सो लेट्स सी नेक्स्ट। एक हजार का सामान सारा डिस्कस करेंगे, पहले हाइलाइटिंग पॉइंट लिखेंगे। खुद सामान खरीदा और फिर बेचा, ठीक है। कैश डेबिट, बैड डेट डेबिट टू मदन। सो लेट्स सी नेक्स्ट। खुद सामान खरीदा नंदा से, नंदा से सप्लाई किया हेलन को 1300। हेलन ने 390 का सामान मेरे को वापस भेजा और मैंने आगे नंदा को वापस भेजा। पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा, अगर 390 का सामान मेरे को वापस आ रहा है तो मैं नंदा को 390 का नहीं भेजूंगी, बिकॉज आई बाय एट कॉस्ट एंड आई सेल एट सेलिंग प्राइस।
पहले तो मैं अपना सेलिंग प्राइस का वैल्यू निकालूंगी, ध्यान से देखना कैसे मैं करूंगी, सिंपल मैथ्स लगाऊंगी। 390 इज बियॉन्ड 1300, 1000 के बीच इसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते, सिंपल। दिस 390 इज बियॉन्ड सेलिंग प्राइस, आई हैव टू फाइंड आउट इट्स कॉस्ट, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो भाई, करो दो जीरो कैंसिल, यस 300। So your return outward will be of 300, your return inward will be of 390. This formula I applied and I framed on my own. Because when you sell the goods, you sell it at selling price. और उसने return inward का हमें value दे रखी है. So return inward को base बना के मैंने return outward की value निकाली. Formula पहली बार कर रहे हैं point, पहले नहीं discuss किया होगा. अब entries आती हैं. पहले नंदा से सामान खरीदो, purchases to नंदा, Helen to sales. अब return inward की entry करो, return inward account debited to Helen, then return outward account debited to Nanda, that is 300. उस 300 की amount उसने नहीं दे रखी, मैंने खुद निकाली। चार entries हैं, overall four entries you have to pass. Any doubt to anyone? Any confusion? Any doubt? पूरा clear है? Okay. इतना clear है, this is cost price. We buy at cost, we sell at selling. सामान वापस किससे आया? कस्टमर से। उस सामान की वैल्यू दे रखी है 390 इज बियॉन्ड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से डिवाइड करो। ये सामान उठा के मैंने नंदा को वापस देना है तो इसकी कॉस्ट निकालो, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? इट कम्स टू मी 300। दिस 300 ही इज नॉट गिविंग मी इन द क्वेश्चन, आई कैलकुलेटेड ऑन माई ओन। नलन, राघव, एवरीथिंग इज क्लियर? लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। व्हेन यू बाय हॉर्स ना, आमतौर पे आज के बिजनेस में हॉर्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, पुराने क्वेश्चन बने हुए हैं, तो बुल्लक कार्ड के थ्रू कभी सामान जाता होगा, उसके लिए हॉर्स खरीदा, हॉर्स को हम लाइव स्टॉक कहते हैं, ठीक है? सो यू बॉट अ हॉर्स और उसके ऊपर एक कार्ट भी, उसके ऊपर कार्ट नहीं, पीछे कार्ट, सामान रखने के लिए कार्ट खरीदा। सो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, कार्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, लाइव स्टॉक इज आर एसेट, राइट? आगे चलते हैं। कहता जो 9 फरवरी को हॉर्स बेचा था वो मर गया, और उसका कार केस, कार केस मतलब जो ऊपर उसकी सीट रखने वाली होती है, जिसके ऊपर बैठते हैं उसे चलाने के लिए, दैट इज कार केस। कार केस बिका 200 का, क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट का घोड़ा था, 1500 में उसके ऊपर बैठने वाली सीट भी तो थी, ठीक है? तो हमारा कितने में बिका ये? कितने में बिका? लॉस ऑन लाइव स्टॉक 1300। तो टू लाइव स्टॉक ही लिखो, कार केस नहीं। कार केस इज अ पार्ट ऑफ लाइव स्टॉक, घोड़े के ऊपर बैठने वाली सीट को कार केस कहते हैं, ठीक है? बी क्वाइट एवरीवन, you need to be quiet, I have to complete this question. Harleen, last वाले दोनों point मेरे को करवाने दो, be quiet everyone. last वाले दोनों point पढ़ो। कल मैंने, क्योंकि ये chapter नहीं करवाना, दीपांशु क्या हुआ, चुप करो। Supplied goods for 300 to Sudhir for domestic use. Sudhir is the name of the proprietor. Drawings account debited to purchases. 31st को देखो, मोहन को 300 रुपया पे किया बिजनेस के फंड्स में से, लेकिन रिपेयर करवाई सुधीर ने अपने घर की, बिल्कुल ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, आउट ऑफ बिजनेस फंड है ना, बिजनेस का पैसा यूज किया अपने घर के रिपेयर के लिए, ठीक है, ड्रॉइंग्स कैश।